नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। जीके जनरल नॉलेज की कड़ी में और एक पेपर जोड़ने जा रहे हैं। पेपर है 2016 का, पेपर सेट है बी। जनरल नॉलेज 2016 का पेपर है। पिछले वीडियो में सवाल किया था जनरल नॉलेज 2015 का पेपर, इम्पोर्टेंट पेपर था। ये भी पेपर इम्पोर्टेंट है। जनरल नॉलेज 2016 का पेपर है, पेपर सेट है बी, क्वेश्चन पेपर सीरीज बी है। ठीक है, और पेपर सेट है आपका 2016 का, क्वेश्चन सीरीज है बी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो दो पार्ट में अपन ने पेपर छुड़ाया था 2015 का, इम्पॉर्टेंट पेपर था। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जाके देख सकते हैं या वीडियो के लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज 2016 का पेपर, क्वेश्चन सीरीज बी है। पहला ही क्वेश्चन दिया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत निम्नलिखित में से औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए एक मशीनरी नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत निम्नलिखित में से औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए एक मशीनरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सुलह अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सुलह बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सामूहिक सौदेबाजी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है लेबर कोर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ऑप्शन नंबर ए इज अ कंसिलिएशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, ऑप्शन नंबर सी इज अ कलेक्टिव बारगेनिंग और ऑप्शन नंबर डी इज अ लेबर कोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी जो है औद्योगिक विवाद निपटारे के लिए मशीनरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, दो नंबर का क्वेश्चन है। परिवार नियोजन की नीति भारत सरकार द्वारा रिक्त स्थान अध्याय में अपनाया गया। परिवार नियोजन की नीति भारत सरकार द्वारा डैश में अपनाई गई। द पॉलिसी ऑफ फैमिली प्लानिंग वाज एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन नंबर बी है 1952, ऑप्शन नंबर सी है 1951 और ऑप्शन नंबर डी है 1950। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952, 1952 में जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है फैमिली प्लानिंग अपनाया गया था। फैमिली प्लानिंग की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1952 में अपनाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, इनमें से किसे अपूर्व ऊर्जा कहा जाता है। तीन नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसे अपूर्व ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हवा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बायोमास, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कोयला, ऑप्शन नंबर डी में दिया है लहर। वन विच इज नो एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज, ऑप्शन नंबर ए इज अ वाइंड, ऑप्शन नंबर बी इज अ बायोमास, ऑप्शन नंबर सी इज अ कोल एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ टाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला, कोल जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है, चार नंबर का क्वेश्चन है। डोनाल्ड ट्रंप के नाम डैश नामक एक वास्तविक सफलता का श्रेय जाता है। जो पूर्व प्रेसिडेंट रहते हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के नाम डैश नामक एक वास्तविक सफलता का श्रेय जाता है।
ऑप्शन नंबर ए में दिया है द डार्क नाइट राइजेस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द अप्रेंटिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सबरीना द टीएनजे विच, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हैज अ रियलिटी हिट टू हिज क्रेडिट टाइटल, ऑप्शन नंबर इज द डार्क नाइट राइजेस, ऑप्शन नंबर बी इज द अप्रेंटिस, ऑप्शन नंबर सी इज सबरीना द टीएनजे विच, ऑप्शन नंबर डी इज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द अप्रेंटिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय मैग्निफिकेशन मुख्यता के द्वारा होती है, क्वेश्चन नंबर 5 है बाय मैग्निफिकेशन मुख्यता के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है आर्गेनोक्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नीम ऑयल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आर्गेनोफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये सभी। बायो मैग्निफिकेशन इज कॉज मेनली बाय ऑप्शन नंबर ए इज आर्गेनोक्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी इज नीम ऑयल, ऑप्शन नंबर सी इज आर्गेनोफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्गेनोक्लोरीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, OFB के अंतर्गत वर्तमान में आर्डनेस फैक्ट्रीज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, आर्डनेस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत वर्तमान में आर्डनेस फैक्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग है, वर्तमान में मतलब 2016 में, जो 2016 के हिसाब से इसको वर्तमान कहा जा सकता है, तो वर्तमान जो है अपने को 2016 के हिसाब से देखना है। तो करेंटली देयर आर डैश आर्डनेस फैक्ट्रीज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग अंडर OFB, ऑप्शन नंबर ए इज 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी इज 8, ऑप्शन नंबर डी इज 9। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की पंचवार्षिक योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को सूचित किया गया है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के कौन से पंचवार्षिक योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को सूचित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6ठी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 7वीं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8वीं और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 9वीं। द 5-ईयर प्लान ऑफ इंडिया मार्क द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए इज 6, ऑप्शन नंबर बी इज 7, सी इज 8 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 9। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6ठी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के सरकार के प्रधान है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मुख्य न्यायाधिपति, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। याज पर आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी इज द चीफ जस्टिस, ऑप्शन नंबर डी इज द नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार किशोर शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति डैश वर्ष की उम्र को पूरा कर रहा हो लेकिन डैश वर्ष की उम्र को पूरा नहीं कर रहा हो। 9 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार किशोर शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति डैश वर्ष की उम्र को पूरा कर रहा है लेकिन डैश वर्ष की उम्र को पूरा नहीं कर रहा है। याज पर फैक्ट्री एक्ट ऑफ इंडिया द टर्म एडोलसेंट मीन्स अ पर्सन कंप्लीटिंग डैश ईयर्स ऑफ एज बट नॉट कंप्लीटिंग डैश ईयर्स ऑफ एज, ऑप्शन नंबर ए इज
13,18. ऑप्शन नंबर बी इज 14,18. ऑप्शन नंबर सी इज 14,16. ऑप्शन नंबर डी इज 15,18. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15,18, मतलब 15 वर्ष की उम्र को पूरा करता है लेकिन 18 वर्ष की उम्र को पूरा नहीं कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार नाबालिग का अर्थ जो कि वर्ष की उम्र को नहीं हुआ है, भारत के कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार नाबालिग का अर्थ जो कि वर्ष की उम्र का नहीं हुआ है, याज पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ऑफ इंडिया अ माइनर मीन्स हु हैज नॉट अटेन डैश ईयर ऑफ एज। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 17 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मजदूरी का अर्थ निम्नलिखित सभी के अतिरिक्त, क्वेश्चन नंबर 11 है, मजदूरी का अर्थ निम्नलिखित सभी के अतिरिक्त। ऑप्शन नंबर ए में दिया है महंगाई भत्ता, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मकान किराया भत्ता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यात्रा भत्ता और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बोनस। वेजेस मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर ए इज अ डेडलेस अलाउंस, ऑप्शन नंबर बी इज HRA, ऑप्शन नंबर सी इज TA एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोनस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार शब्द दैनिक भुगतान कामगारों के लिए औसत वेतन 10 दिनों तक पूरा काम करने के देय मजदूरी का औसत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार शब्द दैनिक भुगतान कामगार के लिए औसत वेतन 10 दिनों तक पूरा काम करने की देय मजदूरी का औसत है। याज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट द टर्म एवरेज पे फॉर डेली पेड वर्कमैन इन द एवरेज ऑफ वेजेस पेबल इन डैश फुल वर्किंग डेज। ऑप्शन नंबर ए इज 7, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 12 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 26। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश जियोथर्मल ऊर्जा का स्रोत है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जियोथर्मल ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए में दिया है सूर्य, ऑप्शन बी में दिया है लहर, ऑप्शन सी में दिया है पृथ्वी, ऑप्शन डी में दिया है हवा। सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज, ऑप्शन ए इज अ सन, ऑप्शन बी इज अ टाइड्स, ऑप्शन सी इज अर्थ एंड ऑप्शन डी इज अ ईयर। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएंगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी अर्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वैज्ञानिकों ने किस रोग को जोखिम को कम करने के लिए एक नया सुरक्षित जीन थेरेपी का आविष्कार किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैज्ञानिकों ने किस रोग के जोखिम को कम करने के लिए एक नया सुरक्षित जीन थेरेपी का आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दिल का दौरा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कैंसर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू सेफर जेन थेरेपी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ विच डिजीज, ऑप्शन नंबर ए इज अ हार्ट अटैक, ऑप्शन नंबर बी इज अ मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी इज अ कैंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है,
क्वेश्चन नंबर 15 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एटमॉस्फेयर इज, ऑप्शन नंबर ए इज 93%, ऑप्शन नंबर बी इज 0.5%, ऑप्शन नंबर सी इज 0.03%, ऑप्शन नंबर डी इज 0.001%। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0.03%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र वर्ष है। ऑप्शन नंबर, मिनिमम एज फॉर बींग मेंबर ऑफ लोकसभा इज ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 23, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 24, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 26। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 25। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पंचवार्षिक योजना मूल रूप से पीसी महलनोबिस मॉडल का अनुसरण करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पंचवार्षिक योजना मूल रूप से पीसी महलनोबिस मॉडल का अनुसरण करती है। ऑप्शन ए में दिया है पहली, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दूसरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तीसरी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है चौथी। द डैश फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया बेसिकली फॉलो पीसी महलनोबिस मॉडल, ऑप्शन नंबर ए इज द फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इज द थर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी इज द फोर्थ। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दूसरी सेकंड, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान को लागू किया गया था, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20/5/1949, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 26/1/1950, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 15/8/1947, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 26/11/1949। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, लागू किया गया था तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, लागू 26 जनवरी 1950 को किया जा रहा था, और स्वीकृत कब किया गया था, तो स्वीकृत कर किया गया था 26 नवंबर 1949। तो ध्यान में रखना है आपको, यह हो गया था लागू। हिंदी में क्वेश्चन अलग दिया है, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग बोल रहा है। अगर इंग्लिश के हिसाब से पढ़ेंगे तो अडॉप्टेड कब कर दिया गया था, तो अडॉप्टेड किया गया था इंग्लिश के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ये 26 नवंबर 1949, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ के राइट आंसर देना होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन जो क्वेश्चन हिंदी में बोला गया उसको तो अडॉप्ट मतलब स्वीकृत किया गया था, और हिंदी में जो क्वेश्चन बन रहा है अपना लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को जो है उसको फोर्स में लाया गया था, ये फोर्स हो जाएगा। क्वेश्चन हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन, तो ये इंग्लिश का ही आपका ग्राह्य धरा जाता है, इंग्लिश को ही मान्य किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अडॉप्टेड बोले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर फोर्स बोलेंगे मतलब लागू जब किया गया था, फोर्स बोलेंगे तो हो गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का फैक्ट्री अधिनियम प्रभावी हुआ है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का फैक्ट्री अधिनियम प्रभावी हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पूरे भारत में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जम्मू और कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में, ऑप्शन नंबर सी में दिया जम्मू कश्मीर और 7 पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में, ऑप्शन नंबर डी में दिया अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे भारत में। फैक्ट्री एक्ट ऑफ इंडिया इज इफेक्टिव थ्रू आउट, ऑप्शन नंबर इज इंडिया,
एक्चुअली इस पे होल ऑफ इंडिया चाहिए था, इंडिया दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ऑप्शन नंबर डी में दिया इंडिया एक्सेप्ट अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। इसके बाद जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर ए, पूरे भारत में होल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत वेतन की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत वेतन की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मूल वेतन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है महंगाई भत्ता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपदान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेजेस गिवन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ऑप्शन नंबर ए इज द बेसिक वेज, ऑप्शन नंबर बी इज द डेयरनेस अलाउंस, ऑप्शन नंबर सी इज द इंसेंटिव, ऑप्शन नंबर डी इज द ग्रेजुएटी। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेजुएटी उपदान, ठीक है, ये पेमेंट की परिभाषा में नहीं आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की सरकार द्वारा चलाई जा रही सबसे पुरानी औद्योगिक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की सरकार द्वारा चलाई जा रही सबसे पुरानी औद्योगिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए में दिया भारतीय रेल, ऑप्शन नंबर बी में दिया एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया ओएफबी, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन नंबर ए इज द इंडियन रेलवे, ऑप्शन नंबर बी इज द एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज द ओएफबी, ऑप्शन नंबर डी इज द नन ऑफ दीज। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओएफबी, ठीक है, ओएफबी ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर शिक्षा के लिए सेना द्वारा कौन सा कार्य शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जम्मू एवं कश्मीर शिक्षा के लिए सेना द्वारा कौन सा कार्य शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्कूल चलो, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्कूल खोलो, ऑप्शन नंबर सी में दिया स्कूल भरो, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। विच ऑपरेशन हैज बीन इंटेडेड बाय द आर्मी फॉर एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर इज द स्कूल चलो, ऑप्शन नंबर बी इज द स्कूल खोलो, ऑप्शन नंबर सी इज द स्कूल भरो, ऑप्शन नंबर डी इज द नन ऑफ दीज। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कूल चलो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तमान में भारत में ऑर्डनेंस फैक्ट्री है। करंटली देयर आर डैश ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए 39, ऑप्शन नंबर बी इज अ 40, ऑप्शन नंबर सी इज अ 41, ऑप्शन नंबर डी इज अ 42। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत सहायता योजना का अंतर राज्य आवंटन सूत्र वर्तमान में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पेपर का 25वां क्वेश्चन है, पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत सहायता आयोजन का अंतर राज्य आवंटन सूत्र वर्तमान में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गाडगिल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गाडगिल मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मुखर्जी गौड़ा, ऑप्शन नंबर डी में है रेड्डी राजन। डैश फार्मूला इज करेंटली यूज इन इंटरस्टेट एलोकेशन ऑफ प्लान असिस्टेंट अंडर 5-year प्लान, ऑप्शन नंबर ए इज अ गाडगिल, ऑप्शन नंबर बी इज अ गाडगिल मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी इज अ मुखर्जी गौड़ा, ऑप्शन नंबर डी इज अ रेड्डी राजन। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाडगिल मुखर्जी। इसी के साथ जनरल नॉलेज 2016 का जो पेपर है, पेपर सेट बी है, उसका यहाँ पे पार्ट वन समाप्त होता है। पार्ट टू में बाकी बचे कुचे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखेंगे।
अभी तक आपने हमारे चैनल हेलो टीचर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।